हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग जैसे सीजीएल सचिवालय का टेस्ट सीरीज 5 करने वाले हैं, ठीक है। और आप खुद इस टेस्ट को एनालिसिस कीजिएगा, कॉपी में कलम पेन लेके बैठ जाइएगा, 30 का क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए, कितना मार्क्स आप और 30 में कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की कोशिश कीजिए, हर क्वेश्चन रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपका 25 प्लस भी आ रहा है ना 30 में, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है और इस टाइप का ही आगे करते रहिए, ठीक है। इसके पहले मैं 1-4 सेट दिया हूँ, उसको उस टेस्ट सीरीज को भी जरूर जरूर दे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड था, ठीक है, जो कि कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना था। बहुत कुछ रिप्लाई भी किए हैं, ठीक है। राज्य सरकार निम्न में से किन फसलों की अब बीमा की तैयारी कर रही है, ठीक है। ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी सब्जी, ऑप्शन डी इन सभी। इसका राइट आंसर जो होगा इन सभी, ठीक है। हमारे जो फ्रेंड्स जो सही किए हैं उनके नाम है नंद किशोर सिंह, ठीक है, ठीक है, एकता मेहता, ठीक है, और समीर कुमार, अमित कुमार, ठीक है। ये चारों ने सही किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट को। वन नंबर देखिए क्या है कि हाल में ही चीन हमले में गणेश हंसदा शहीद हो गए हैं, वे झारखंड के किस जिले के निवासी हैं। ऑप्शन ए लोहरदगा, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी सिमडेगा। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट देते हैं। चलिए राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन त्रिशूल झारखंड के किस जिले में अभियान चलाई जा रही है, ठीक है। ऑप्शन ए खुट्टी, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी इन सभी में, ठीक है। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट देते हैं। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, इन सभी, माने कि खुट्टी रांची पश्चिम सिंह तीनों में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो नक्सलियों के खिलाफ बनाया गया था त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, ये नक्सलियों के खिलाफ त्रिशूल अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। ये जिले जिसमें रांची है, खुट्टी है, पश्चिमी सिंहभूम तीनों जिले हैं, ठीक है। चलिए आप देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, झारखंड के किस प्रसिद्ध कवि को 2019 में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए रानी मुर्मू, ऑप्शन बी अनुज लुगुन, ठीक है, ऑप्शन सी निलोत्पल मृणाल, ऑप्शन डी जोबा मुर्मू, ठीक है। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम देते हैं। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, अनुलुगुन। अनुलुगुन को एक बुक का नाम था, ठीक है, मैं बताना चाहता हूं उसका, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ठीक है। इसी के लिए इनको माने कि 2019 में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, अनुलुगुन को, ठीक है। अनुलुगुन को बहुत माने कि और भी मिला अवार्ड, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छऊ नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए शुभम बनर्जी, ऑप्शन बी प्रभात कुमार, ऑप्शन डी गोपाल प्रसाद दुबे, ऑप्शन डी मुकुंद नायर। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट देते हैं। चलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल प्रसाद दुबे। छऊ नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? गोपाल प्रसाद दुबे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डार्क हाउस एक अनोखी कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए निलोत्पल मृणाल, ठीक है, ऑप्शन बी ज्ञान सिंह, ठीक है, ऑप्शन बी अनुज लुगुन, ठीक है, ऑप्शन डी चेतन महाजन, ठीक है। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम देते हैं।
चलिए ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो ज्ञान से का पुस्तक जो है समथिंग लाइक लाइक लव है, ठीक है, पूछेगा कि समथिंग लाइक लाइक लव का लेखक कौन है, वहां पर होगा ज्ञान सिंह, ठीक है। और बाघ सुगना और मुंडा की बेटी का अगर पूछेगा तो क्या होगा, उसके अनुज लुगन लेखक है, ठीक है। अगर पूछेगा कि द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, ठीक है, इनके लेखक कौन हो गए, चेतन महाजन, ठीक है। तो चारों याद रखिएगा। डार्क हॉर्स पूछेगा निरुपम मृणाल, ठीक है, और बोलेगा समथिंग समथिंग लाइक लव पूछेगा ज्ञान सिंह, ठीक है, और बोलेगा बाघ और सुगना मुंडा की बेटी अनुज लुगुन हो जाएगा, ठीक है, और द बैड वॉइस ऑफ बोकारो, ठीक है, जेल क्या हो जाएगा, चेतन महाजन। सब इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ह्वेनसांग ने पहाड़ी क्षेत्र के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए की चिंग काई ला, ऑप्शन बी का ना सु फ ला ना, ठीक है, ऑप्शन डी दामिन एको, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, दामिन एको, ठीक है, ऑप्शन सी इज द दामिन एको, ठीक है। और दामिन एको की घोषणा कब हुई थी, 1824 में हुई थी। इसका स्थापना कब किया गया था, 1837, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कल का एक क्वेश्चन में बहुत सारा मैंने कि हमारे दोस्त लोग को प्रॉब्लम हो रहे थे, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो वो मैं क्वेश्चन जो मैं कल जो प्रॉब्लम हुआ था मैं उसको लास्ट में सही कर दूंगा। मेरा जो मैंने क्वेश्चन आंसर जो भी था मेरा राइट था, ठीक है, वो मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, लास्ट में, ठीक है, 30 30 क्वेश्चन के बाद उसको लास्ट में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये वीडियो को शुरू से देखिए अच्छा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन थी, ठीक है, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन बी इधर कैटेंस होगा, तांबा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इधर क्या हो जाएगा आंसर, तांबा हो जाएगा आंसर, ने कॉपर, ठीक है। 8 का बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो सन 2000 में लोकसभा से पारित हुआ कितने भाग, ठीक है, भाग अनुसूचियां तथा अनुच्छेद में विभाजित है, ठीक है। ऑप्शन ए 10 भाग 10 अनुसूचियां तथा 91 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 12 भाग 15 अनुसूचियां तथा 92 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 12 भाग, ठीक है, 10 अनुसूचियां तथा 91 अनुच्छेद, फिर ऑप्शन डी 10 भाग 10 अनुसूचियां, ठीक है, और 10 अनुच्छेद, ठीक है। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट देते हैं। चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा, 10 भाग, ठीक है, 10 अनुसूचियां 11 अनुच्छेद, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो सन 2000 में लोकसभा से पारित हुआ उसमें कितने भाग थे, 10 भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, 10 अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद में विभाजित थे बताओ, 91 अनुच्छेद, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिए इसको, ठीक है। धनबाद जिले में फिर द ब्लैक्स है, नमक स्थान में लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास 1779 में ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए झींका पानी, ऑप्शन बी बेंद्रो, ठीक है, ऑप्शन सी जापला, ऑप्शन डी झरिया। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झरिया हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, झरिया हो जाएगा। 10 नंबर, लौह इस्पात उद्योग के लिए कौन सी खनिजों की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन ए लौह अयस्क, ठीक है, ऑप्शन बी मैग्नीज, ठीक है, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी ये सभी। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए राइट आंसर इज ये सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने कि आपको लो इस्पात उद्योग के लिए लो अयस्क भी जरूरी पड़ता है, मैंगनीज भी होता है, कोयला भी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, ठीक है, आदर पूर्वक एपोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है। ऑप्शन ए
डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल, ठीक है, ऑप्शन बी डॉक्टर एजे डायर, ऑप्शन सी डॉक्टर जे एम हिल्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आपको 10 मिनट टाइम स्टार्ट। ठीक है, राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल हो जाएगा, कैंपबेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदर पूर्वक एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल। 12 नंबर देखिए, किस मिशन ने 1899 में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला, जो अविभाजित विभाग का सबसे पुराना कॉलेज है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन ए रोमन कैथोलिक मिशन, ऑप्शन बी एसपीजी मिशन, ऑप्शन सी रोमन कैथोलिक मिशन, ऑप्शन डी डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन डी इज द कैथोलिक का डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन। ठीक है, तो इंपोर्टेंट याद रखिए, किस मिशन ने 1899 में इसवी में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला, जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है, क्या हो जाएगा, डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन। नेक्स्ट, फादर कंस्टांट लिवेंस, जिन्हें जनसाधारण लिबिन साहब तक पुकारता था, ठीक है, किस मिशन से जुड़े हुए थे, ऑप्शन ए, ठीक है, एसपीजी मिशन, ऑप्शन बी रोमन कैथोलिक मिशन, ऑप्शन सी गोसनर ठीक मिशन, ऑप्शन डी इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आपको टेस्ट टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन बी इज कैटेस होगा, रोमन कैथोलिक मिशन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आदिम मानव द्वारा ठीक है निर्मित चित्र, शैलचित्र, दीर्घा, विशाल खुला सूर्य मंदिर, गुफाओं के चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन ए सरैया, ऑप्शन बी इसको, ऑप्शन सी गोला, ऑप्शन डी बड़का गांव। चलिए आपको टेस्ट टाइम स्टार्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हो जाएगा। ठीक है, इसको कहां पर, हजारीबाग में है। ठीक है, उसमें याद रखिएगा, देखिए आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र है, शैल चित्र है, दीर्घा है, विशाल खुला सूर्य मंदिर, गुफाओं का चित्र कहां से प्राप्त हुए, इसको कहां है, हजारीबाग में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, चेरो वंश की स्थापना किसने की, ऑप्शन ए भागवत राय, ऑप्शन बी अच्युत राय, ठीक है और ऑप्शन सी शिव राय, ऑप्शन डी महादेव राय। ठीक है, चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेरो वंश की स्थापना किसने की, भागवत राय। ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह में झारखंड के किस सेना का योगदान उल्लेखनीय रहा था, ऑप्शन ए मुक्ति सेना, ऑप्शन बी मुक्ति वाहिनी सेना, ऑप्शन डी सी रामवीर सेना, ऑप्शन डी लक्ष्मण वीर सेना। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, मुक्ति वाहिनी सेना। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, मुक्ति वाहिनी सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको रिप्लाई कर सकते हैं इसको अच्छा से इजी से। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है, ठीक है, कहां स्थित है, ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी बोकारो। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, हजारीबाग। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिए, और हजारीबाग को बोला था हजार बागानों का शहर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, थाउजेंड्स ऑफ गार्डन बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है, झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन ए पहाड़िया, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी थारू।
चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा पहाड़िया। क्या होगा? झूम कृषि किसे नाम से मत है? पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। इन द सैटेज ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो झारखंड से संबंधित मूल निवासी राजनीति पर्यावरणवाद और विकास पर आधारित है? चलिए ऑप्शन ए जिंद्रेच, ऑप्शन बी रोज केरकेट्टा, ऑप्शन सी कामिक बुलके, ऑप्शन डी अल्पासा। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर का अल्पासा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इन द शैडोज ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्पासा। 20 नंबर क्वेश्चन इजी है। झारखंड में त्रिकुट चोटी कहां स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए दुगड़ा, ऑप्शन बी पारदी, ठीक है ऑप्शन डी देवघर, ऑप्शन डी रामगढ़। चलिए आपको 10 सेकंड का स्टार्ट। ठीक है, राइट आंसर इज क्या होगा? ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर होगा देवघर। ठीक है, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि देवघर के निकट त्रिकुट पहाड़ी से निकलकर गंगा नदी में मिलती है। कौन सा नदी? मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी निकलती है। ठीक है, जो मोर नदी भी नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिए त्रिकुट पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? मयूराक्षी नदी निकलती है वहां से। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी से। ठीक है, 21 नंबर देखिए, हो विद्रोह का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1831, ऑप्शन बी 1820 से 1821, ठीक है ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 1824। चलिए आपका 10 सेकंड स्टार्ट। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा 1820 से 21। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है? ठीक है, ऑप्शन ए तुहिन सिन्हा, ऑप्शन बी खगेंद्र ठाकुर, ऑप्शन सी रामकृष्ण सिंह, ऑप्शन डी अंजना ओम कश्यप। ठीक है, चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। बहुत ही क्वेश्चन है, सबको जो न्यूज देखते हैं पता है उनको। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंजना ओम कश्यप। ठीक है, ये अभी जो वर्तमान में आज तक के पत्रकार हैं। ठीक है, समाचार प्रस्तुत करता है, माने कि पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है किसका? आज तक चैनल का। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे फेमस है एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है। ठीक है, कौन? अंजना ओम कश्यप। 23 नंबर, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहां स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी बोकारो। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, रांची। द फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहां स्थित है? बताइए, रांची में स्थित है। 24 नंबर, 2012 में झारखंड सरकार ने किस स्थान पर आईटी पार्क हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए सिंदरी, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी दुमका। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा देवघर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा देवघर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ठीक है, ऑप्शन ए पाकुड़ और दुमका, ऑप्शन बी देवघर और गोड्डा, ऑप्शन सी गुमला और रोहतगा, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुमला और लोहरदगा, जो कि पूरा का पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। ठीक है, गुमला और लोहरदगा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड राज्य की कुल लगभग 86 लाख अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजाति की कुल संख्या कितनी है?
अनुसूचित जनजाति कितना है 86 लाख है, उसे बोला आदिम जनजाति, आदिम कितना टोटल 8 होते हैं, ठीक है। तो उसे बोला कि कितने उसमें आपका जनसंख्या आदिम जनजाति का, तो अब देखो ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 2.5 लाख, ठीक है, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी 4 लाख। चलिए आपको 10 सेकंड में स्टार्ट। चलिए ऑप्शन ए इधर कैसे होगा, लगभग 2 लाख, ठीक है, ठीक है, ज्यादा भी थोड़ा हो सकता है, कम भी, लेकिन 2 लाख लगभग याद रखिए, अप्रोक्स याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर, क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है, ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन डी गिरिडीह, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन सी इधर करेक्ट होगा गिरिडीह, क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है। 28 नंबर, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, ठीक है, ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ठीक है, ऑप्शन डी 2005। चलिए आपको 10 सेकंड में स्टार्ट। चलिए ऑप्शन सी इधर करेक्ट होगा 2004 में होगा, ठीक है, कि मुख्यमंत्री कन्या दान योजना झारखंड में मैंने कि कब स्टार्ट हुआ, तो बताइए 2004 में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन 99% रिपीट होने के चांसेस है इसका, ठीक है। 29 नंबर, खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1865, ऑप्शन डी 1874। चलिए आपको 10 सेकंड में स्टार्ट। चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा 1874, एक ही मकान जो खरवार आदेश आंदोलन के जो जो चलाए स्टार्ट किए थे, जो शुरू करवाए थे उनका नाम था भागे तुमान जी, ठीक है, अब तब किए थे 1874। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, कभी कभी पूछ देता है कि खरवार आंदोलन मैंने किसके द्वारा मैंने का स्टार्ट किया गया था, वहां का भागे तुमान जी हो जाएगा, और ये कब किया गया है 1874 में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, 30 नंबर, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए महुआ टन अभ्यारण, ठीक है, कहा लाते हैं इसका, मतलब कि ये देखिए ये अभ्यारण का नाम दिया हुआ है, इधर जगह का नाम दिया हुआ है, किस की जिला में है, ठीक है, तो महुआ महुआ टन अभ्यारण लाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तो पांची अभ्यारण धनबाद, ठीक है, उधवा पश्चिम बिहार कोडरमा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, लावालौंग अभ्यारण चतरा। चलिए चलिए आपको 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए देखिए यहाँ बताना चाहूंगा कि देखिए महुआ टाण अभ्यारण, ठीक है, कहाँ पर है, लातेहार में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन बी देखिए तो पांची अभ्यारण जो कि धनबाद में है, ये भी किधर है, पिछले वीडियो में करवाया हूँ, ठीक है, उधवा पश्चिम बिहार कोडरमा में नहीं है, ये कहाँ पर है, साहेबगंज जिला में है, ठीक है, साहेबगंज जिला में, और लावालौंग अभ्यारण कहाँ पर है, चतरा में, बिल्कुल सही है, लावालौंग अभ्यारण चतरा में इंपोर्टेंट है, महुआ टाण अभ्यारण लातेहार, बिल्कुल सही है, तो पांची अभ्यारण धनबाद, ये भी सही है, लेकिन उधवा पश्चिम बिहार जो होता है वो कहा होता है, कोडरमा में नहीं रखे, कहा होता है, साहेबगंज जिला में है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा, ये सही मेल नहीं है, उधवा पश्चिम बिहार कहां पर है बताइए, साहेबगंज में, कोडरमा में नहीं, साहेबगंज जिला में है, ठीक है। चलिए देखिए मैं कल एक क्वेश्चन पूछा था कि अपना अपना राज, ठीक है, अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह के समय दिया गया था, तो उनका राज उसका सही आंसर जो था वो था संथाल विद्रोह ही होगा, ठीक है, उसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये संथाल विद्रोह जो हुआ था 30 जून 1855 को भगना डी गांव में लगभग 400 आदिवासियों के द्वारा एक सभा की गई थी, जिसमें अपना देश अपना राज का नारा दिया गया था तथा विद्रोह का बिगुल फूका गया था वहां पर, ठीक है, ये सही है, राइट आंसर है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन मत होइए, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन आप जो बोल रहे हो यहाँ पर कि सर इसका आंसर देखिए क्या, जो रघुनाथ महतो ने चुवार विद्रोह के समय, ठीक है, 1765 में अपना गांव, ठीक है, अपना राज,
दूर भगाओ विदेशी राज की नारा दिया गया है, दोनों अलग अलग है ये, ठीक है, याद रखिएगा कि अपना गांव अपना राज, ठीक है, दूर भगाओ विदेशी का नारा जो दिया गया था ये क्या था, चुवाड़ विद्रोह के समय दिया गया था। अब किसके द्वारा, रघुनाथ महतो द्वारा, ठीक है, कब किया गया था ये, 1765 ईस्वी में। लेकिन यही क्वेश्चन को देखिए यहां पर पूछेगा कि अपना देश अपना राज का नारा किस मैंने कि विद्रोह के समय दिया गया था, यहाँ पर हुआ संथाल विद्रोह, ठीक है। अब ये कब मैंने कब किया गया, 30 जून 1855 ईस्वी को किया गया था, कहाँ किस गांव में, भागनाडीह गांव में किया गया था, ठीक है। अब वहीं पर ये नारा दिया गया था और वहां पर बिगुल फूका गया था, कितने आदमी के द्वारा, 400 आदमी के समूह के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया कट, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, में जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका कॉन्सेप्ट मैं बता दिया, ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी आपका इसके अलावा और कुछ राय है आप मेरे को जरूर कमेंट से मतलब डाई देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोई भी चीज है जो कोई भी एरर है, चाहे कोई भी चीज आपको लगता है कि ये यहाँ पर करेक्शन होना चाहिए, एरर करना होना चाहिए, आप जरूर जरूर कमेंट से बताया कीजिए। जो ये मेरे कमेंट से मैं दो लोगों ने किए हैं उनको उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप जो इसका बताना चाहें यहाँ से देखिए पूरा निष्कर्ष निकल गया, कंक्लूजन निकल चुका है, ठीक है। वो अपना जगह सही है, ये अपना जगह सही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी करेक्शन चाहते हैं, कुछ भी एरर हुआ है या करेक्शन चाहते हैं, आप कमेंट से जरूर जरूर रिप्लाई करें, ठीक है, ओके, आप लोग को धन्यवाद, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आज क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने कि जो कि हम लोग झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड भी रहता है, ठीक है। निम्न में से किस व्यवसाय को राज्य में कृषि का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए मवेशी पालन, ठीक है, ऑप्शन बी डेयरी, ऑप्शन सी मुर्गी पालन, ऑप्शन डी मछली पालन। चलिए इसका जो आंसर आपको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है, सर 31 का ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको आंसर जरूर जरूर रिप्लाई कीजिएगा, आपको इसी से पता चलेगा कि आप किस टाइप का तैयारी कर रहे हो, और जरूर जरूर 30 में कितना मार्क्स आया है उसको भी खुद से एनालिसिस कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर आंसर जो देता है, जो वहाँ 1 से 30 क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है, यहाँ पर 1 से 30 का सबका आंसर दिया हुआ, और देखिए ऊपर में जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है ना, ऊपर जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है, आंसर रिप्लाई करता हूँ, देखिए तो उसमें क्या होगा ना, आपको देखिए 3 जो कलर होगा एक जैसा होगा, और जो कलर आपको डिफरेंट दिखेगा ना वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, कैसा प्रीवियस वीडियो चाहे आप लेटेस्ट वीडियो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसमें ज्वाइन वहां से ज्वाइन होके आप पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है, हमारे वीडियो को जरूर जरूर लाइक करिए, ठीक है, और हमारे दोस्त अपने दोस्तों के पास ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करें कि किस टाइप का क्वेश्चन लगा सर, किस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन ऐसा मिलते रहे जिससे आपको एग्जामिनेशन कंपटीशन एग्जाम के व्यू से, ठीक है, आपको एग्जाम अच्छा तैयारी हो, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।